और इस वक्त की बड़ी खबर, मुंबई से सटे ठाणे में उद्धव ठाकरे के काफिले पर कुछ लोगों ने गोबर, टमाटर, नारियल और चूड़ियां फेंकी हैं। इस मामले में 20 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि कल महाराष्ट्र के बीड जिले में राज ठाकरे की रैली में शिवसेना उद्धव गुट के लोगों पर सुपारी फेंकने के आरोप लगे थे, जिसके बाद आज उद्धव ठाकरे के काफिले पर गोबर टमाटर फेंके गए हैं। ऐसे में राज ठाकरे की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर उद्धव के काफिले पर हमले के आरोप लग रहे हैं। कल हमने देखा कि महाराष्ट्र के बीड में राज ठाकरे की एक काफिले के ऊपर कथित तौर पर मराठा समुदाय और इसके अलावा शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा सुपारी फेंकी गई, और उसके बाद आज महाराष्ट्र के थाने में एक सभा आयोजित की जाती है उद्धव ठाकरे की तरफ से। यहां पर उनके पदाधिकारियों का एक सम्मेलन होता है, और उस सम्मेलन में आपको बताएं कि कुछ मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा कथित तौर पर चूड़ियां और काफिले के ऊपर कुछ इसके अलावा नारियल फेंके गए। आप इस वक्त तस्वीरों में देखिए कि कुछ चूड़ियां आपको यहां पर गिरी हुई नजर आएंगी। इसके अलावा बहुत से जो चूड़ियां यहां गिरी हुई थी, फिलहाल उन्हें पुलिस उठाकर फेंक चुकी है। आपको फिलहाल अगर बताएं तो इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस ने लगभग 20 से अधिक लोगों को डिटेन किया है, और उनके ऊपर औपचारिक रूप से कानूनी प्रक्रिया की जा रही है। आपको बताएं कि ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस प्रकार है कि कल मनसे कार्यकर्ताओं द्वारा कुछ भीड़ में जिस तरह से सुपारी फेंकी गई राज ठाकरे के ऊपर, उसके बाद आज नाराज मनसे कार्यकर्ताओं ने, आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे के काफिले के ऊपर टमाटर फेंका।